जरा जिंदगी हम तेरे आगे करी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल हैं आप लोगों के? हाल भी अच्छे होंगे और चाल भी यकीनन बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। और वादे के मुताबिक इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। वादे के एन मुताबिक जनाब चौधरी आबिद शेर अली साहब बहुत ही फायर ब्रांड पॉलिटिशियन है, बहुत ही पॉपुलर है, बड़े वोकल है। इनकी स्पीचेस अक्सर आपने हाउस के फ्लोर पे सुनी होंगी। फैसलाबाद NA84 इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अच्छा भाई, इन्होंने बहुत सी जाली डिग्रियां अनअर्थ की, लेकिन अपने बारे में इनके बारे में बता दूं, इन्होंने MBA किया हुआ है लंदन से और रिचमंड से, और उसके अलावा बैचलर इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। और जो पार्लियामेंटेरियंस जिनकी डिग्रियाँ असली नहीं थी, उनसे बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं। बहुत हर कोई, बल्कि अब तो डरना शुरू हो गया, क्योंकि जिसकी असली भी है उनको भी इनकी शक्ल देख के लगता है कि हमारी शायद जाली ना हो। खुशामदीद, थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपके बारे में लोग कहते हैं आप मुस्कुराते बिल्कुल नहीं है, ना ही हंसते हैं, ये बात सही है? घर में भी ऐसे होते हैं? नहीं जी, मेरी निजी जिंदगी और दोस्तों में मुस्कुराता रहता हूँ, और मैं मेरा नहीं ख्याल कि मेरे चेहरे पे कभी गुस्सा रहा। नहीं, गुस्सा नहीं, सीरियस एक्सप्रेशन रहा है, मतलब सीरियस एक्सप्रेशन लगता है लेकिन हूँ नहीं मैं। अच्छा, सीरियस लगते हैं मतलब हैं लेकिन हैं नहीं आप? जी हाँ। दोस्त आपके कम ही होंगे जो, क्योंकि अक्सर लोगों ने तो देखा नहीं आपको हंसते हुए। जी मेरे दोस्त हैं और जो मेरे क्लास फेलो हैं, कुछ है, आउट ऑफ कंट्री हैं और कुछ पाकिस्तान में, तो बड़ी लिमिटेड गैदरिंग है इसमें। अच्छा, आपकी मियां नवाज शरीफ साहब से रिश्तेदारी भी है? जी। तो क्या आपको सियासत में मियां साहब खुद लेके आए? जी, मेरे वालिद साहब फाउंडर मेंबर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनाई। अच्छा। और वो पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर भी रहे हैं अर्ली 70s में। तो जब उन्होंने भुट्टो साहब को छोड़ा 77 में, तो उनको बेशुमार मुकदमात में जेल कर दिया गया। अच्छा। और फिर ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ आया, तो फिर वो कोई 1.5-2 साल के बाद जेल से बाहर भी आए, क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी को इक्तदार में छोड़ा था। भुट्टो साहब की कुछ पॉलिसी से इख्तलाफ करके उन्होंने छोड़ा जब इक्तदार में थे। उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की 82 में मेयर फैसलाबाद बने, और ये फिर वालिद साहब की है, फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलकर एक फैसलाबाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाड़का ना कहलाता था, उसको फिर तोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अपनी सियासी काविश है मेरे वालिद साहब की, बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। वो 10 साल मेयर रहे हैं फैसलाबाद के, और 3 मरतबा वो रुकने कौमी असम्बली भी रहे हैं। और आपके भाई भी तो मेयर रहे हैं? और मेरे बड़े भाई आमिर शेर अली साहब भी मेट्रोपोलिटन फैसलाबाद के मेयर रहे हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, और परवेज़ मुशर्रफ की एक लंबी आमरियत जिसमें मेरे वालिद साहब की बहुत सैक्रिफाइसेस हैं, और उनको अटक फोर्ट में रखा गया 3.5 साल, और उन पर बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया गया। और मेरे बड़े भाई आमिर शेर अली को भी, मेरे वालिद साहब को पार्टी स्विच ओवर ना करने की सजा दी गई, और मेरे बड़े भाई को भी कोई तकरीबन 2.25 साल जेल की कैदोबंद सोपतों में रखा गया। तो ये फिर एक फैमिली बैकग्राउंड है, और इसमें बेशुमार सैक्रिफाइसेस हैं, और माशाल्लाह मेरे वालिद साहब की एक तवील जिद्दोजहद है। अच्छा, आपके कंधों पे इतना बोझ है, आपकी शादी भी माशाल्लाह हुई है, हंस रहे मुस्कुराए, ये देखिए मुस्कुरा लिए इन्होंने, आपकी माशाल्लाह 3 बेटियां भी हैं, तो बेगम तो बड़ी नाराज होती होंगी कि यार मेरे लिए तो टाइम ही नहीं आप निकाल पाते। ये भी आप सही फरमाती हैं कि टाइम इस तरह नहीं है, बच्चों को भी जरा इसी तरह वो भी फील करते हैं, लेकिन फिर एक हिस्सा है, अल्लाह ताला ने एक मौका दिया हुआ है कि सर्व करने का। और सुबह बैठते हैं 9-10 बजे, तो सैकड़ों लोग आते हैं जिनकी जिनकी हेल्प करते हैं जिनके, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम लोगों की खदमत। अच्छा, नाराज किस बात पे बेगम होती है और मनाते कैसे हैं? ये सच सच बता दें, बिल्कुल गा के मनाते हैं शेरो शायरी, मुझे पता नहीं लग रहा है कि शेरो शायरी। बेगम अक्सर गुस्से में वो नाराज होती तो मैं गुस्सा करके मना लेती माशाल्लाह खुराक देखे हर इंसान की होती है,
तो ये बड़ी मिसपरसेप्शन है मियाँ साहबान के मतलब, काफ़ी मरतबा खाने का इतफाक होता है। वो ज़रूर अपनी डाइट को खाते हैं और इंजॉय करते हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है इंजॉय करना भी चाहिए। और इसमें नहीं है कि कोई ज़्यादा खा ले कोई कम खा ले। आपकी फेवरेट डिश क्या है मुझे ये बता। हमारी फैमिली की फेवरेट डिश बिरयानी पालक है, बिरयानी जो मोस्टली खाते हैं हम सब। और आपकी बेगम सबसे अच्छी डिश कौन सी बनाती है जिसपे आप कहें कि उनको डायमंड की रिंग ले दूं इतनी अच्छी डिश बनाती है। कभी इतफाक नहीं हुआ कि इस तरह की कोई चीज चेक करें, लेकिन हमेशा मेरी वालदा अपनी निगरानी में बनाते हैं और शुरू से बनाते हैं। तो आबिद साहब मुझे ये बताइए कि फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है और राणा सनाउल्लाह साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं यहाँ के पंजाब के, उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। जी जी। तो मुझे ये बताएं कि कभी इख्तलाफात नहीं होते, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं पार्टी में मिनिस्टर। राणा सनाउल्लाह साहब मेरे नीचे एमपी हैं जी, और मेरे घर वाली सीट से लड़ते हैं। उनका हर शख्स का अपना अपना रोल है पार्टी का, वो अपना रोल अपनी जगह प्ले करते हैं, जहाँ हमारी चीज़ है तो हम अपना रोल प्ले करते हैं। और राणा साहब को मेरे वालिद मोहतरम एमएनए और एमपी दोनों सीटों से लड़ा करते थे और दोनों सीटों अल्हम्दुलिल्लाह जीता करते थे, कभी लूज नहीं की। तो राणा सनाउल्लाह साहब को 93 में पीपल्स पार्टी से स्विच ओवर करवाकर फिर मेरे वालिद साहब ने जो इलेक्शन में सीट छोड़ी थी, फिर बाय इलेक्शन में राणा सनाउल्लाह साहब को लाकर फिर इख्तलाफात नहीं हुए आपके उनसे। देखिए जी, जहाँ तक तो पार्टी की बात है, पार्टी में तो ठीक है, पर इख्तलाफात आपके हो भी जाते हैं आपस में, घर वालों में भी, तो इख्तलाफ़े राय रखना हर शख्स का हक भी है। और जहाँ तक पार्टी का मतलब है तो पार्टी के लिए फिर तमाम। आपने ये जो फेक डिग्रीज एक्सपोज की और इस पर आपने इतना स्टैंड लिया एचईसी के साथ भी, सारा बड़ा अप्रिशिएट किया पूरी दुनिया में लोगों ने कि भाई एक चीज़ अवाम के साथ एक किस्म का धोखा था कि भाई आप एक शर्त थी, ठीक है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन जब इलेक्शन लड़े गए तो उसी शर्त के तहत लड़े गए बीए की डिग्री के। और अगर आपने आवाम के साथ एक मिसट्रस्ट किया उनको, इनको गलत कहा कि जी हम हैं, और बाद में जाली निकली 50 से जायद पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से, उसमें पीएमएल नवाज के भी बहुत से पार्लियामेंटेरियन हैं, तो आपकी पार्टी की लीडरशिप ने या लोगों ने ये नहीं कहा कि यार क्या तुमने पंडोरा बॉक्स खोल दिया। देखिए जी, मैं अपनी लीडरशिप पर प्राउड करता हूँ, और मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लंदन भी बुलवाया था और उन्होंने मुझे कहा था कि आपने क्रॉस द बोर्ड करनी है, किसी की परवाह नहीं करनी, चाहे आपकी पार्टी के सारे अरकान चले जाएं, आपने बिल्कुल इसमें फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करनी। तो मैं समझता हूँ कि ये लीडरशिप की मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर थी कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सपोर्ट किया। और देखें जी, बात फारूक साहब ये नहीं है कि आप असम्बली में बैठ गए, बात यह है कि वो इंस्टीट्यूशंस, आप जब कौमी असम्बली के मेम्बर बनते हैं वहाँ पे आप लेजिस्लेटर बन जाते हैं, पॉलिसी मेकर बन जाते हैं, और एजुकेशन जो हमारा एक बैकबोन है पाकिस्तान के लिए, जो अगर समझा जाए तो आप इसकी बजटिंग में हिस्सा लेते हैं। तो वो लोग जो इन धोखादेही से उन यूनिवर्सिटीज़ को गलत इस्तेमाल करके आए हों, गलत तरीके से जालसाजी करके आए हों, तो इससे देखें कि हमने वो यूनिवर्सिटीज़ को भी आइडेंटिफाई किया जो ये जो जहरीला काम करते हैं, कर रहे हैं, ये नहीं है कि लाखों लोगों को जो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में है, चाहे वो वकला है, चाहे वो टीचर है, बेशुमार हजारों लोग पुलिस में, और उसमें से काफ़ी लोगों की डिग्रियाँ जाली हुई हैं, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बदकिस्मत ही है। जहाँ पर लोग आज चांद पर पहुँच रहे हैं दिन ब दिन, आप भी माशाल्लाह मीडिया से अवेयरनेस आती है बड़ी कि इतनी इतनी कौमें तरक्की कर गई हैं। तुम कुछ पूछना चाह रही थी आई थिंक कि वाइफ के हवाले से, क्या कहती है तुम के मेकअप के बारे में, जितना तुम करती हो उतना वो भी करती है? अच्छा, मतलब जितना मैं, मतलब ये देखिए मैं इसको कह रही थी कि अगर ये मेरी साइड पे हो जाएगा तो मैं एक तंजीम बना रही हूँ औरतों की जिसमें ऑलरेडी सारी औरतें हैं। तो अभी भाई आप देख लें, आपने इसकी पार्टी में होना कि मेरी पार्टी में, क्योंकि खवातीन फिर आपको पता है पलड़ा भारी होता है। मेरा अक्सर मेकअप बेगम से फटा ही जाता है। अच्छा, क्या फटा क्या होता है, मतलब किसी की शादी पे जाना है तो क्या मसला होता है? लेट, कितनी देर की लेट हो जाए? आधा पौना घंटा घंटा लेट हो जाता हूँ मैं, फिर चला जाता हूँ तो कई मरतबा। अच्छा, छोड़ के चले जाते हैं बेगम कई मरतबा? हाँ, बल्कि प्रोग्राम भी कई मरतबा शुरू हम कर देते हैं इसके बगैर भी अगर देखिए अच्छा लगना हर औरत का हक है, इस पे तो हर औरत आपकी बेगम को भी। अच्छा, ये हकूक याद है, बाकी नहीं याद है? फिर तैयारी पहले से करनी चाहिए ना, टाइम नहीं, वैसे ये करती है 6 बजे की आदत है कि वो हमेशा लेट स्टार्ट करती है, टाइम का उतनी पंक्चुअलिटी हमारी फैमिली में जी, शादियों के और ये फंक्शन में बहुत पंक्चुअल। अच्छा, अल्लाह जन्नत नसीब करे मियां मोहम्मद शरीफ साहब के, उन्होंने ये फैमिली में बड़ी आदतें डेवलप की हुई हैं कि टाइम पर शादी का शुरू होना, ख़त्म होना 10-11 बजे घरों।
थैंक यू सो मच आबिद भाई, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। वक्त बहुत कम है और बहुत सारी बातें रहेगी, बट थैंक यू वंस अगेन। जादू 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 जादू।